पॉकेट एफएम पर मैं हूँ आरजे शारदा। आप सुन रहे हैं काशी, एक प्रेम कहानी। इसे लिखा है प्रीति तिवारी ने। बनारस शहर, कहने को तो ये महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसे हवाओं में बहती है। हर किसी का दिल एकदम खरे सोने सा है। बनारस अपने घाटों के लिए, महादेव की भक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और खत्म भी इसी बनारस के घाट पे होगी। बनारस शहर, 80 घाट, सुबह का वक्त। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव ही सुंदर है। जागो, उठ कर देखो, जीवन जो तुझा। बनारस 80 घाट पर बने महादेव का मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इसी भक्ति गीत से होती थी, और सिर्फ एक ही आवाज़ इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती थी, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी, बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की जो महादेव की परम भक्त है और साथ में शिक्षिका भी। अरे ये तो काशी की आवाज़ है, मतलब सुबह के 4 बज गए, पुजारी जी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद इस मंदिर को साफ करती और आरती करती थी। उसकी आरती की आवाज़ से ही बनारस के लोगों की सुबह होती थी। काशी ने आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल कर दी। सूरज भी अब पूरी चमक से निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंत मिल गए। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया, प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर बोला, जी अच्छे हैं महंत जी। आरती हो गई बिटिया? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद दे के आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गलियां तंग जरूर होती हैं, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी कभी तो रात भी यहाँ की भोलेनाथ के नमों से गुंजायमान रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया आ गई तुम, अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियां हम बांध के रखे हैं बस अभी, और तुम आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोल शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। और जय आ रहा है ना स्कूल, कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय, जो कि 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए। काशी ने उसे देख मुस्कुराया और थैली लेकर घर वापस आ गई। काशी घर आकर आंगन में जूतियां उतारकर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहां मंदिर से लाया हुआ फूल रख जैसे ही वो घर के अंदर आई तो उसके बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे हुए थे। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौड़ी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये हम हैं? उन्होंने अखबार मोड़ के सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज से, जो हम आपको बचपन से पहनाते आए हैं उसकी आवाज से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्हें नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वो खुद देखते थे, उसका कार्यभार वही देखा करते थे।
उनके दोस्त इंदौर के शाही घरानों में से एक थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वो सबसे मिलते थे। काशी उनके लिए उनकी बेटी से बढ़ के थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसीलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी जब स्कूल पहुंची तब स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वो जल्दी से जाकर प्रिंसिपल रूम में टाइम भरी और प्रिंसिपल सर को सुप्रभात बोल के बाहर आ गई। घंटी लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्कूल के सारे टीचर्स आकर अपनी अपनी क्लास के लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में वापस चले गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहां से अपना सामान निकालने लगी। तभी पीछे से आके शालिनी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो उसे पीछे मुड़ के देखते हुए बोली, ओहो तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो लिया नहीं है, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ और इसमें लेट हो जाता है। शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दोनों हंसती, चलो अच्छा अब जाओ जल्दी क्लास में। ये बोल काशी अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी आश्रम आ गए थे। ये आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और अनाथ बच्चों के रहने का इंतजाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियां थीं, वो कुछ न कुछ काम करती थीं और उन्हीं से खुद के लिए कमाती थीं। वृद्ध महिलाएं और पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ आकर इन सबको अपना वक्त देना ज्यादा अच्छा समझा। वो पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई नहीं था। काशी की माँ बचपन में ही चलपसी थी, इसीलिए उसकी परवरिश खुद उन्होंने अकेले किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दूं, दोपहर हो गई है। उन्होंने कोई फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी अभी नहीं। अभी क्यों नहीं, अभी ही खाएंगे आप बाबा और हमारे साथ खाएंगे। ये आवाज सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चले आ रही थी खाने का बॉक्स लिए। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करते हुए बोली, चलिए उठिए जल्दी। ये कहते हुए उसने खाने का टिफिन मेज पर रख दिया। उसने टिफिन खोलते हुए कहा, और दुबे चाचा जी आपने खाया या नहीं। आनंद जी ने फाइल रखते हुए उससे पूछा, पर काशी आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं, चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी। अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ हम भी चलते हैं। ये बोल दुबे जी वहां से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वो अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहां की विधवा स्त्रियों को मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाने में और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों को कहानी सुनाने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती रही और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल गई। राजस्थान, रात का वक्त। कहा जाता है कि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और उसकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना है। पर फिर भी इस शहर में कोई था जो थोड़ा अजीब, अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी। पूरा राजस्थान जिसके एक शब्द पर हिल जाता था और वो था अभय प्रताप सिंह। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला था और ये अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसे महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी जल्दी से बाहर आए। अभय गाड़ी से उतरा, एक रौबदार चेहरा। वो गाड़ी से बाहर आकर अंदर आया और नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे आए। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, हुकुम सा खाना। जी लगाइए हम आते हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया।
कमरे में पहुंचकर उसने अपना कोट निकाल कर रखा ही था कि तभी मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया और सख्त आवाज में पूछा, काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज में कोई बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस जमीन को देने के लिए। एक दो टके की लड़की की इतनी जरूरत कि वो अभय प्रताप सिंह को मना करे? हम आ रहे हैं कल वहां, हम भी तो देखें कौन पैदा हो गया इस धरती पर ऐसा जो हमें ना करना जानता है। ये बोल उसने फोन काट गुस्से में बिस्तर पे फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आई तो देखा कि आनंद जी बैठे रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध का गिलास उन्हें देते हुए और रामायण लेके माथे लगा बंद करके रखते हुए कहा, बाबा चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाइए और रखिए रामायण। अब आनंद जी भी गिलास लेके बिस्तर पर बैठ गए। काशी कपड़ों को तह करते हुए बोली, बाबा आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन तो दे के छुट्टी करो ना, क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना? आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें, और वो जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते और ना देंगे, वो माँ ने हमें दिया था। वो इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहां से चली गई। वो छत पर आकर खड़ी हो गई, हल्की हल्की सी ठंड थी। वो चांद को देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी, एक जमीन के लिए इतना पागल? जब ना बोल दिया तो क्यों फिर बार बार? वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में खड़ा होकर आसमां की तरफ देख के बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं, वेट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में बोला। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।